जैसे मोदी कहा करता था कि भवानी पार्टी मुक्त भारत अभियान होना चाहिए, अब तो मुझे लगता है कि भाजपा मुक्त भारत का अभियान भी देश के अंदर चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए और उसके बाद हमारे साथ धोखा हुआ, क्योंकि सच बोल करके तो हम गर्दन भी उतरवा सकते हैं, लेकिन धोखा देने वाले को हमने कभी आज तक माफ नहीं किया है, ये भी हमारा। और यहाँ के प्रशासन ने क्या किया, हमें धोखा दिया। अंत में मेरी सबसे ये अपील और प्रार्थना, ये आंदोलन केवल 3 कानूनों के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन केवल MSP के कानून के लिए नहीं है, ये आंदोलन अब आने वाली पीढ़ियों के लिए है। और सारे तैयारी करो, पूरी ताकत से इस आंदोलन में जुटो। अब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया नहीं, ये आंदोलन हिंदुस्तान को सोने का शेर भी बना सकता है, इतनी ताकत हमारे अंदर है। मेरी अंत में सबको अपील है, सब शांति भी बना करके रखें, जो हमारे नेता आदेश करें उसके अनुसार चलें, क्योंकि ये सिर जोड़ने की लड़ाई है, सिर फोड़ने की लड़ाई नहीं है, और ये हथियारों से लड़ने वाली लड़ाई नहीं है, ये हौसलों से लड़ने वाली लड़ाई है, जिसको हम मिलकर के लड़ेंगे। और मैं पुनः, जो आज आपने इतिहास बनाने का काम किया है और जो अगला फैसला लिया जाएगा उसके ऊपर सारे मिलकर के ताकत लगाए, ये हमारे सर धड़ की बाजी का आंदोलन है, ये हमारे सर धड़ की बाजी का आंदोलन है, जिसे जीत करके ही हम घर लौटेंगे, उसके बिना घर वापस नहीं जाएंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मेरे साथ एक नारा लगा दो, मैं बोलूंगा ना धर्म का ना साइंस का, आपने बोलना है मोदी है रिलायंस का। ना धर्म का ना साइंस का, मोदी है रिलायंस का। ना धर्म का ना साइंस का, मोदी है रिलायंस का। ना धर्म का ना साइंस का।